Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आत्मा 2022 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में. जी हाँ गाइस, आप लोगों का ATME 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस यहाँ पे रिलीज हो चुका है. किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी आज इस वीडियो में. क्योंकि इस वीडियो में गाइस हम आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताने वाले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सिंपली गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना होगा. तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड. थोड़ा नीचे आएंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा. अब इस नोटिफिकेशन कॉलम में आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है. और यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक लिंक दे दी गई है. सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगी. अब गाइस यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि आप लोगों का जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन. और उसी के साथ आपको यहाँ पे लिंक भी दे दी गई एप्लीकेशन फी पे करने की. तो सिंपली इस लिंक पे आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर देना होगा. जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप लोग इस तरह के पेज पे चलेंगे. यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा डिटेल्स और डिटेल्स फिल करना है. लाइक सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप किस में आते हैं, नॉट एप्लीकेबल हो या फिर वुमेन हो तो 25% आपको मिलेगा. नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट जो भी आपको वो सेलेक्ट कर लेना होगा. इंडिविजुअल हो या फिर आप यहाँ पे जो रहेगा आपका वो सेलेक्ट करना. बट यहाँ पे इंडिविजुअल का एक ही ऑप्शन है, इंडिविजुअल ही सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. फिर आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा, मिडिल नेम एंटर कर देना है एंड देन आपको सिंपली लास्ट नेम एंटर कर देना होगा. उसके बाद गाइस आप लोगों को अपना जो है बजट यहाँ पे एंटर कर देना होगा. तो यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैं बजट एंटर कर देता हूँ गाइस. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके बजट है वो आपको एंटर कर देना है. उसके बाद आपका सिटी का नाम एंटर कर देना होगा यहाँ पे. देन नाम एंटर करने के बाद गाइस आप लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है. फिर यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी. यहाँ पे फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com में एंटर कर देता हूँ, वही आपको यहाँ पे जो है री एंटर कर देनी होगी xyz@gmail.com. फिर यहाँ पे आप लोगों को जो है कैप्चा दिखाई जा रहा है, सेम कैप्चा गाइस एज इट इज आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटर कर देना है. और उसके बाद सिंपली प्रोसीड फॉर फी पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना होगा. जैसे आप क्लिक करेंगे उस पर गाइस, उस पर क्लिक करते हैं आप लोगों का यहाँ पे जो है ओके यहाँ पे ईमेल एड्रेस गलत मैंने डाल दिया एक्चुअली, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है. तो जैसे आप लोगों ने सारे डिटेल्स सही फिल किया आपको प्रोसीड ऑफ फी पेमेंट पे क्लिक करना होगा. और उस पर क्लिक करते गाइस आप लोगों के सामने लोड लिया जाएगा. आपको सारी डिटेल्स वेरीफाई करने की जाएगी, एप्लीकेशन फी आपको बताई जाएगी. एप्लीकेशन फी 1600 यहाँ पे है. फिर सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना होगा. आप लोग पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे. आप UPI के थ्रू डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप लोग डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं. वंस एप्लीकेशन फी आप पे कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा. सो गाइस आई होप अभी कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में. इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.